नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं राहुल द्विवेदी आपका होस्ट और दोस्त लेके आया हूँ आज की कुछ बहुत खास टेक न्यूज़। तो बिना देरी करे आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करते हैं आज की पहली खबर की, जो कि आती है मेजू की तरफ से। मेजू 16T दोस्तों आज लॉन्च हो गया है। बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर्स की। तो दोस्तों 6.5 इंचेस का स्क्रीन मिल जाएगा आपको, स्नैपड्रैगन 855 मिल जाएगा, 6 GB और 8 GB का रैम मिल जाएगा आपको, और 128 GB और 256 GB का आपको स्टोरेज ऑप्शन मिल जाएगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा दोस्तों इसमें, 12 MP, 8 MP और 5 MP के लेंसेज के साथ। दोस्तों 16 MP का सेल्फी कैमरा होगा, 4500 mAh की बैटरी होगी जो कि सपोर्ट करेगा 18 वाट का फास्ट चार्जिंग। इसमें आपको Flyme 8 OS मिल जाएगा जो कि बेस होगा एंड्रॉयड पाई के ऊपर। दोस्तों कलर की अगर हम बात करें तो ऑरेंज, ब्लू और ग्रीन आपको मिल जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है Realme की तरफ से। दोस्तों Realme का एक और फ़ोन मार्केट में आने वाला है जिसका नाम होगा Realme 5S। तो देखते हैं इसमें वो क्या बेहतरीन निकालते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है सोनी की तरफ से। दोस्तों सोनी Xperia 1 जो प्रोफेशनल एडिशन लॉन्च हो गया है चाइना में। बात करते हैं इसके कुछ खास फीचर की। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 855 मिल जाएगा, 6 GB 128 GB की रैम मिल जाएगी, 3330 mAh की बैटरी मिल जाएगी और इसकी सेल स्टार्ट होगी दोस्तों 25 अक्टूबर से। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है हुआवे की तरफ से। दोस्तों हुआवे ने स्टार्ट कर दिया है दोस्तों अपना 2 नए फ़ोन को सेलिंग के लिए चाइना में। बात करते हैं वो कौन कौन सी फ़ोन है दोस्तों, Mate 30 5G और Mate 30 Pro 5G। ये दोनों फ़ोन अब उपलब्ध हैं चाइना में सेल के लिए। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है रियलमी की तरफ से। रियलमी 5 प्रो को दोस्तों एक अपडेट मिल चुका है जिसमें उनको मिलेगा डार्क मोड का सपोर्ट और अल्ट्रा वाइड एंगल रिकॉर्डिंग का। दोस्तों ये एक फीचर मिल जाएगा आपको इस अपडेट के साथ। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है शाओमी की तरफ से। दोस्तों शाओमी Mi CC9 Pro आएगा बहुत जल्दी मार्केट में और इसमें होगा 30 वाट का फास्ट चार्जिंग। और अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, तो इसमें आपको लगा मिलेगा स्नैपड्रैगन 730G और ट्रिपल कैमरा सेटअप होगा 48 MP, 8 MP और 2 MP के लेंसेज के साथ। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है रियलमी ही की तरफ से। दोस्तों रियलमी 1 और रियलमी U1 को एक अपडेट मिल चुका है जिसमें डार्क मोड का और अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच मिल रहा है। तो अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आप कर सकते हैं दोस्तों। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है LG की तरफ से। LG G8X ThinQ दोस्तों ये आएगा 1 नवंबर को, वो भी US में। दोस्तों ये अभी हमारे इंडिया के लिए नहीं है, ये US में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस फ़ोन की कुछ खास फीचर की। तो दोस्तों इसमें आपको 6.4 इंचेस का स्क्रीन मिल जाएगा, 6 GB 128 GB का वेरिएंट मिल जाएगा, 4000 mAh की बैटरी मिल जाएगी और स्नैपड्रैगन 855 मिल जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें कैमरे की, तो इसमें दोस्तों आपको 12 MP, 13 MP का दो डुअल सेटअप मिल जाएगा। बात करते हैं सेल्फ़ी की, तो 32 MP का सेल्फ़ी कैमरा इसमें होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि आती है रेडमी की तरफ से। रेडमी K20 को दोस्तों MIUI 11 का अपडेट मिल चुका है। अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो अभी आप कर सकते हैं इसको। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है एक नए फ़ोन कंपनी से जिसका नाम है रग्ड डॉगी। दोस्तों वैसे तो ये बहुत कम इसका नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये जब भी बहुत कम फ़ोन निकालते हैं, लेकिन जब भी निकालते हैं तो बहुत अच्छे निकालते हैं। अभी इन्होंने एक और अपना एक फ़ोन निकाला है जिसका नाम है रग्ड डॉगी 895 प्रो। दोस्तों आइए बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स की। इसमें हीलियो P90 मिल जाएगा आपको प्रोसेसर। बात करते हैं अगर वेरिएंट की, तो 8 GB 128 GB का वेरिएंट मिल जाएगा, 48 MP, 8 MP, 5 MP के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएगा, 16 MP की सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। दोस्तों 5150 mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि अपने स्तर की बहुत बड़ी बैटरी है। दोस्तों एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट मिल जाएगा, 24 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है मोटो की तरफ से। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने न्यूज़ में आपको बताया था, टेक न्यूज़ में, कि मोटो ओला एक अपना नया फ़ोन लाने वाला है जो कि होगा उनका पहला पॉपअप मैकेनिज्म के साथ। दोस्तों अब इसका हमारे सामने नाम भी आ गया है। इस फ़ोन का नाम होगा मोटरोला वन
हाइपर दोस्तों। तो देखते हैं क्या खास आता है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है अपने इंडिया से। BSNL और MTNL का दोस्तों विलय को आज मंजूरी गवर्नमेंट से मिल गई है। अब देखते हैं आगे क्या क्या कदम उठाए जाते हैं बाबत इस सब्जेक्ट के। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है कलर OS की तरफ से दोस्तों। कलर OS 7 दोस्तों बहुत जल्दी आने वाला है रियलमी की डिवाइसेस के लिए, वो भी स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो मैं भी बहुत इंतज़ार कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये आए और इसका एक्सपीरियंस लिया जाए। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो रेनो को दोस्तों स्टार्ट हो गया है अपडेट मिलना, जो कि होगा एंड्रॉयड 10, जो कि बेस्ड होगा कलर OS पे। तो देखते हैं ये कब कितनी जल्दी अपडेट के लिए सबके लिए उपलब्ध होता है दोस्तों। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है फायरफॉक्स की तरफ से दोस्तों। फायरफॉक्स 70 एक नया अपडेट आ गया है अगर आप यूज़ करते हैं ब्राउज़र अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। अगर आपने इसको नहीं अपडेट किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि फायरफॉक्स ने बोला है कि जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं और अगर अपडेट नहीं करेंगे तो उनको प्राइवेसी इशू हो सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है फुजी फिल्म की तरफ से दोस्तों। इन्होंने एक अपना नया कैमरा निकाला है जिसका नाम है X Pro 3। और दोस्तों ये एक थोड़ा सा आपको रेट्रो स्टाइल में देखने को मिलेगा और ये लॉन्च हो चुका है। इसका जो एक रफली प्राइस है हमारे इंडिया के हिसाब से तो वो है 1,27,600 रुपये दोस्तों। अब ये इंडिया में कब आता है ये देखने वाली बात है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि है अपने इंडिया की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव का दोस्तों। आपको इंडिया में मिलेगा दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फेस रिकग्निशन सिस्टम, और इससे बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जो चोरियाँ होती हैं, अपराधी होते हैं, इन सब टेक्नोलॉजी से बहुत जल्दी पकड़ने में उनको मदद मिलेगी। तो देखते हैं कितनी जल्दी ये सक्सेस या परफॉर्म हो पाता है। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है एक चौंकाने वाली दोस्तों। दोस्तों MS धोनी का नाम आपने सुना ही होगा और इनको एक उपाधि दी गई है कि ये सबसे ज़्यादा डेंजरस सेलिब्रिटी हैं जो सर्च करे जाते हैं नेटवर्क की यानी कि इंटरनेट की दुनिया में। क्यों दोस्तों? क्योंकि क्या होता है कि लोग पसंद करते हैं और इनको सर्च करते हैं तो किसी भी वेबसाइट पे जाके ये क्लिक कर देते हैं इनके बारे में जानने के लिए, क्या कर रहे हैं, क्या कहाँ रह रहे हैं, ये जो भी इनके बारे में जानकारी चाहिए इसके लिए वो क्लिक कर देते हैं। और वहाँ पे होते हैं वायरस या अटैकर होते हैं, हैकर होते हैं, जो आपकी सारी चीज़ें आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से हैक कर लेते हैं दोस्तों। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है सचिन तेंदुलकर का, तीसरा नाम आता है गौतम गुलाटी का, शायद अगर आपको याद हो ये बिग बॉस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि आती है हुआवे की तरफ से दोस्तों। हुआवे 5G मोबाइल वाईफाई प्रो, और ये दोस्तों आएगा 8000 mAh की बैटरी के साथ दोस्तों। तो ये अपने आप में एक अलग ही बैटरी इन्होंने, मुझे तो लगता है बैटरी ने इन्होंने मोबाइल में पावर बैंक लगा दिया है। तो देखते हैं कब आता है और क्या खास लेके आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ खास खबरें, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियोस आपको मेरे कैसे लग रहे हैं मुझे मेल से या कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोज़ आपको बहुत अच्छे अच्छे आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आपसे फिर जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, हिट लाइक बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन। योर्स राहुल द्विवेदी।